हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। कई सारे आंदोलन हो रहे हैं, पदवृद्धि से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है जिसमें काफ़ी सारी कमियां निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों, क्या क्या कमियां रहेंगी, क्या क्या निरावरण रहेगा और पदवृद्धि के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आप लोगों को कंटिन्यू इसके टच में रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि शिक्षक पात्रता संघ के जो संयोजक हैं रंजीत गौर, काफ़ी समय से पदवृद्धि को लेकर के और इसके पूर्व में रोस्टर जारी करने के संबंध में और साथ ही साथ समस्त रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत है और एक जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं सभी युवाओं के, जिससे कि वो आगे बढ़कर आए और अपने हक के लिए सरकार से लड़ें, अपनी मांग रखें। क्योंकि दोस्तों, ये उनका बिल्कुल वाजिब हक बनता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद में बीएड किया, सब कुछ किया और उसके बाद भी यदि कम पोस्ट की वजह से यदि उनकी नौकरी नहीं मिलती योग्य होने के बावजूद भी, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के संबंध में जो है अभी हाल ही में तीव्र गति से इस आंदोलन को, जो कि पदवृद्धि से संबंधित है, बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ाया गया है। और अब हाल ही में जो दोस्तों मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूँ उसमें ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री जी के नाम पर, शिक्षा मंत्री जी के नाम पर, और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, साथ ही साथ जो कम पद आए उसके संबंध में भी कई बातें हैं, बजट के संबंध में कई बातें हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि ये देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में असमंजस, स्थिति स्पष्ट करने पर अड़े बेरोजगार। यहाँ पर दोस्तों खास पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जहाँ पर बजट में 24,200 पदों को भरने के लिए बात की गई थी, वहीं पर जो शिक्षक पात्रता संघ है उन्होंने ज्ञापन दिया है और उसमें लिखा है कि 24,200 की जगह 15,000 पद जो हैं वो उच्च माध्यमिक शिक्षक के और 5,670 पदों पर जो है माध्यमिक शिक्षक पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से दोस्तों 24,200 पदों पर भर्ती होना चाहिए थी, लेकिन ये पदों की संख्या लगभग 3 से 3,500 कम आ रही है। और दोस्तों साथ ही साथ जो सब्जेक्ट कम संख्या में पोस्ट जिनकी आई है, जैसे कि हिंदी है, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, उर्दू है इत्यादि के बारे में भी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके मातृभाषा के लिए भी अलग से लिखा हुआ है कि तत्काल जो है पदों में वृद्धि हो। तो एक बार फिर मातृभाषा के पदों में वृद्धि की मांग उठी है। दोस्तों इनका कहना है कि जो 2019 में परीक्षा कराई गई थी, ये ममता निगम कह रही हैं जो कि महिला बेरोजगार संघ की अध्यक्ष हैं, उसमें सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हिंदी एवं संस्कृत जैसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के पद सरकार को तत्काल बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हजारों पद हिंदी और संस्कृत के रिक्त पड़े हैं, इन पदों को भरने के लिए विभाग की तरफ से कोई भी रुचि नहीं दिखाई दे रही है ना। कई बार उनको पत्र भी प्रेषित किए गए, कई सारे आंदोलन किए गए, ज्ञापन दिए गए, लेकिन इस ओर किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दोस्तों आगे एक और जो न्यूज़पेपर है उसमें दिया हुआ है कि पद सिर्फ 228 और माध्यमिक शिक्षक के 4 विषयों में 1.5 लाख से ज़्यादा पात्र उम्मीदवार। इसका मतलब ये दोस्तों जो 4 विषय दिए हुए हैं, यदि टोटल उनको पद को मिलाया जाए तो DPI ने केवल 228 पदों पर ही इन चारों में नियुक्ति देने के लिए प्रस्ताव दिया है। बाकी जो है 1.5 लाख से ज़्यादा पात्र उम्मीदवार हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि हम देखें तो 43,723 है ना उम्मीदवार जो पात्र हैं वर्ग एक में, और नियुक्ति हो रही है मात्र 15,000 पर, जबकि पदों की संख्या काफ़ी खाली है। इसी प्रकार से वर्ग दो की बात करें तो नियुक्ति हो रही है मात्र 5,670 पदों पर, जबकि 216,240 पात्र उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सब कुछ मटिया मेट हो गया है। कम से कम जो पदों की संख्या है वो कम से कम इतनी तो आना चाहिए थी कि सबको जो है सेटिस्फाई कर सके, सबको संतुष्ट कर सके। एक पदों का समान वितरण बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था और इसी की वजह से ये आंदोलन किए जा रहे हैं। एक छोटी सी न्यूज़ और है साथ में ही। अब दोस्तों एक और न्यूज़ है जो कि नरसिंहपुर ज़िले की है, क्योंकि सभी ज़िले में इस प्रकार की कमेटी बना दी गई है जो कि पदवृद्धि से संबंधित हो और सभी अपना अपना काम बखूबी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में दर्शाए गए कम पद के लिए सौंपा CM के नाम ज्ञापन। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके 5 सदस्यीय टीम के द्वारा ये आप देख भी पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने कहा कि भाई जो इतनी कम रिक्तियाँ निकली हैं उनमें आप जो है इनको बढ़ाने का प्रयास करें, इनको बढ़ाएं, समान वितरण करें पदों को, साथ ही साथ समस्त पदों पर जो है नियुक्ति की प्रोसेस को चलाएं। तो इसमें विष्णु सिंघानिया, पवन श्रीवास्तव, सुनील दुबे एवं महेंद्र सिंह ठाकुर इत्यादि हैं और इनकी टीमें बन चुकी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जिला स्तर पर भी कई टीमें बनी हैं और साथ ही साथ जो ट्विटर पर अभियान चल रहा है ना पदों की वृद्धि के संबंध में, लगातार ट्वीट किए जा रहा है मंत्रियों के जो ट्वीट्स हैं उनके नीचे, ऑफिसर्स के ट्वीट्स हैं उनके नीचे। तो इस प्रकार दोस्तों काफ़ी तीव्र गति से ये आंदोलन चल रहा है और निश्चित रूप से जब ये CM के संज्ञान में आ जाएगा, शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आ जाएगा, तो अब इसके आगे वो क्या निर्णय लेते हैं ये तो आगे भविष्य बताएगा। तो दोस्तों
निश्चित रूप से पोस्ट बढ़ने की संभावना बन सकती है आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।